हमें बहुत खुशखबरी है कि सभी को बताएंगे, देखिए रजनी देवी आपके घर में खुद गैस सिलेंडर लेकर के आ गई है। किसी भी घर सिलेंडर बिना नहीं चल सकता है, उसी तरह पटना भी रजनी देवी बिना नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता नगर निगम। एक भी गली सिटी का घूमने में आधा पैर गंदा हो गया, जल जमाव लग जाता है, तो उसको मरम्मत करा देंगे तो उसमें जल नहीं जमेगा। एक को मिला है कुदाल खेत कोड़िए, दूसरा को मिला है हल बैलगाड़ी, उस पर हल चलाइए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ मेयर प्रत्याशी रजनी देवी हैं और बगल में आपको दिख रहा होगा इनका चुनाव चिन्ह जो कि गैस सिलेंडर है। खुश हैं इस चुनाव चिन्ह से? हाँ, गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिलने से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की घर घर में जरूरत है। सभी महिलाओं लोग के पास गैस सिलेंडर से ही काम करना पड़ता है। हाँ। जैसे कि चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, पढ़ने वाले बच्चे भी अपने अपने हॉस्टल में या जहाँ जहाँ रहते हैं लॉज में या किराए के मकान में, वहाँ वहाँ छोटे से लेकर बड़े सिलेंडर जरूर रहता है, वरना भूखा मर जाएगा। नहीं तो सिलेंडर के बिना तो आदमी भूखा मरेगा, सिलेंडर नहीं मिलता तो। आप कह रही थी कि जब आप बन जाएंगी तो कीचड़ नहीं दिखेगा पटना में, जो भी चीज क्या क्या नहीं दिखने वाला है? जब मैं मेयर बन के आती हूँ तो पटना में छोटी मोटी जैसे कि 4 फीट 6 फीट का सड़क होता है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तो उसमें टूट फूट जाने के बाद जल जमाव लग जाता है, तो उसको मरम्मत करा देंगे तो उसमें जल नहीं जमेगा, तो डेंगू मच्छर का प्रकोप नहीं होगा। लड़वा तो इतना बढ़ा हुआ पटना, डेंगू बढ़ा हुआ है, हर साल बढ़ जाता है। इतनी महिलाएं, जब आता हूँ तो इतनी महिलाएं आपके आसपास रहती हैं, क्या हो मतलब? मेरे साथ महिलाएं इसलिए रहती है कि पप्पू राय जो है ना वो बाहर चले जाते हैं सब जेंट्स लोग के साथ, हम जाते हैं महिलाओं लेके टीम लेकर के अपने साथ। आप घूमती हैं? हम घूमते हैं। लोग बोलते हैं बताएं क्या कि रजनी देवी नहीं घूमती हैं कि कहाँ रहती हैं? नहीं नहीं, हम घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, पप्पू राय अलग घूम रहे हैं, हम अलग घूम रहे हैं, अलग घूम रहे हैं, हम अलग घूम रहे हैं महिलाओं के टीम के साथ। तो इस गैस का जो इस्तेमाल है वो तो पूरा दुनिया करता है? हाँ, गैस का इस्तेमाल तो पूरा दुनिया करता है, लेकिन पूरे पटने के लिए हमें बहुत खुशखबरी है कि सभी को बताएंगे, देखिए रजनी देवी आपके घर में खुद गैस सिलेंडर लेकर के आ गई है। हाँ। इस आपको जरूरत है गैस सिलेंडर से, इसी तरह से रजनी देवी से भी आपको जरूरत है। चलिए, तो सहमत है कि नहीं इनसे कि गैस सिलेंडर जैसे जरूरी वैसे पटना के लिए रजनी देवी जरूरी? बहुत जरूरी है रजनी देवी, मेयर बनना बहुत अच्छा है हम लोग को, तो खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ला की है, अच्छी भी है, काम भी अच्छी करती है और समाज मदद करती है कि नहीं आप लोग का ये बताते? बगल में रहता है तो मदद करते हैं, बहुत मदद करती है, सब चीज में मदद करती है हम लोग को। इनका कहना है कि जैसे गैस बिना पूरा दुनिया अधूरा, वैसी रजनी देवी अगर नहीं बनी तो अधूरा हो जाएगा पटना। रजनी देवी को जीतना बहुत जरूरी है, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद। आप लोग मदद करती हैं कि नहीं ये बताइए? सब ठीक है, मदद करते हैं तो नहीं करते हैं, दिन भर मदद करती हैं। करती हैं मदद कि नहीं? करती है मदद, करती है मदद। जब चलिए बच्चा पार्टी भी यहाँ दिन दिन भर कि आपको रजनी देवी क्या देती है, बच्चे लोग से भी जो कि हमारे वोटर नहीं है, हमारे घर के नजदीक खेलने कूदने वाले हैं, उनको भी आप उनको भी बहुत मानते हैं, बहुत बिस्किट मिठाई हर चीज देते लेते हैं, खिलाते पिलाते। ऐसा व्यवहार है आपका कि सबको व्यवहार सबको मानते हैं, अमीर गरीब या किसी क्लास का आदमी हो, सबके साथ हम उठते बैठते हैं, क्योंकि मेरा घर एक गंगा किनारे बसा हुआ है और गंगा किनारे में अधिकतर सलम बस्ती है, हमारे पास पड़ोस में सलम बस्ती है, हम सब लोग के साथ बैठते उठते हैं, सबसे बातें चीत करते हैं। चलिए बताइए कि चुनाव चिन्ह मिल गया है गैस सिलेंडर। हाँ, अब बताइए कि इस गैस सिलेंडर का प्रभाव पड़ेगा पूरे पटना में? जरूर पड़ेगा, क्योंकि जैसे गैस सिलेंडर से हम लोग का सारा खाना पीना बनता है, उसी तरह से पटना में अगर रजनी देवी आ जाएगी तो उसी तरह जिस तरह से हम लोग का खाना बन के पेट भरता है, उसी तरह पटना स्मार्ट सिटी बनेगा और सभी लोग खुश होंगे। सभी लोग खुश होंगे। आप देख सकते हैं कि रजनी देवी के पीछे पूरी महिलाएं सब हैं और सबका यही कहना है कि रजनी देवी अगर नहीं बनती है मेयर तो पटना अधूरा रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं पप्पू राय के पास। अब हमारे साथ पप्पू राय हैं, सिलेंडर लेके बैठे हुए हैं। देखिए, जो सही मन से काम कीजिएगा ना, जिसका इच्छा शक्ति साफ हो, सही मन से काम कीजिएगा तो आपको चुनाव चिन्ह भी वैसा ही मिलेगा। जिस तरह किसी भी घर सिलेंडर बिना नहीं चल सकता है, उसी तरह पटना भी रजनी देवी बिना नहीं चल सकता, नहीं है, चल सकता, नहीं चल सकता नगर निगम। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसा आप लोग चलाएंगे वैसा कोई और नहीं चला सकता? कोई और नहीं चलाएगा। आज हम सिटी गए थे, जहाँ का महापौर लगातार 15 साल से 5 साल ये रहे, 10 साल उसके पहले हो रहा, दोनों लड़ रही है। एक भी गली सिटी का
घूमने में आधा पैर गंदा हो गया। ये दशा है सिटी का। सभी वार्ड में हमने पूछा, क्या महापौर आगे कहीं जनता दरबार लगा के आप लोग का दुख सुख जानने का प्रयास किए? कभी सर ताकने तक नहीं आया ये लोग, जबकि सिटी के लोग लगातार 15 वर्षों से मेयर बना रहे हैं, लेकिन कोई भी मेयर सिटी में घूमने का काम नहीं किया, न किसी जनता के बीच गया आज तक। ना 24 घंटा देखता हूँ कि आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, कारण? देखिए, हम आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं कि हम लोग जमीनी आदमी हैं, जमीन पे रहते हैं, सब लोग आते जाते हैं, कोई आने में नहीं झिझकते हैं। बाकी उम्मीदवार से तो नहीं है कि जाने के पहले पुर्जा लगाना पड़ेगा कि मिलना है, परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ तो दरबार खुला हुआ है, रात में 12 बजे भी आइएगा तो मिल जाएंगे। अब हर जगह गैस सिलेंडर दिखने वाला है कि नहीं? हर घर में गैस सिलेंडर दिखेगा, पूरे पटना नगर ऐसे भी दिख रहा था, और पटना नगर निगम में रजनी देवी महापौर पद पर दिखेगी। दिखेगी। धप्पू जी क्या कहेंगे, सिलेंडर बगल में है, चुनाव चिन्ह भी यही है। बढ़िया चुनाव चिन्ह मिला है, लोगों का देख के लोग खुश है कि अच्छा चुनाव चिन्ह आया है। हर घर में होता है, हम लोग भी इसी पर मतलब याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगा देने में। क्या कहिएगा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अजीत राय हुआ। अजीत राय हुआ, बताइए कि चुनाव चिन्ह से कितने खुश हैं? सब घर बहुत खुश हैं, सब घर में दिखेगा, ये चुनाव देने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। सबके घर में गैस चूल्हा है, गैस देख के वो लोग वोट देंगे रजनी देवी को। चलिए, बाकी पटनावासी को क्या कहना चाहेंगे पप्पू जी, बाकी जो लोग परेशान हैं अभी पटना से? हम पूरे पटना हम पूछते हैं कि क्या जी वोट दीजिएगा, तो वो साफ कहते हैं कि देने से क्या फायदा। बिल्कुल सत कहते हैं, वोट देते हैं उनका काम होता ही नहीं है, दौड़ना पड़ता है, तो नाराज तो लोग हो गए हैं। लेकिन इस बार सभी का उम्मीद है कि नहीं, डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, अब इस बार ऐसा प्रत्याशी को जिताएंगे जो हमेशा हमें मिल सके, जहां बुलाएं आ सके। चलिए, क्या कहिएगा? अच्छा सिंबल इनको मिला है और घर घर में सिलेंडर है, इसलिए घर घर का वोट मिलेगा इनको। पक्का है? पक्का। तो लग रहा है कि घर घर का वोट मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, आप देख नहीं रहे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जैन सलाब उमड़ जा रहा है, प्रत्याशी के भी घर में जा रहे हैं तो जैन सलाब उमड़ जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन कीचड़ में जाना पड़ रहा है, यही दिक्कत। कीचड़ तो लोग पहले वाले किए हुए थे, लेकिन अगले बार जब हम जाएंगे तो बिल्कुल रोड चमकता हुआ रहेगा, चकाचक रहेगा, हमको जानने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा जाने का, अगला बार जनता अपने वोट देगा। क्या कहिएगा, चुनाव चिन्ह मिल गया है, अब फुल स्पीड से आगे बढ़ेंगे आप लोग कि नहीं? बढ़ेंगे, फुल स्पीड से बढ़ेंगे। पहले ही से हम लोगों को स्वच्छता का प्रमाण मिल गया, घर में पूजा स्थल रसोई घर स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, और रसोई घर का सिंबल मिल गया हम लोगों को गैस सिलेंडर, इससे और अच्छा क्या होगा। हम लोग अभी से ही क्या कहिएगा, हर घर में गैस सिलेंडर है। चुनाव चिन्ह तो एक नंबर हमारा मिला है, गैस सिलेंडर को उसको अब बताने का पप्पू भैया और राजकुमार उपधरपू भैया को दिक्कत नहीं होगा। और जनता जिस तरीके से ये हर घर में ये लोग इनसे हेल्प लेने आते हैं, तो अब तो चिंता ही नहीं करना है कि हमको सोचना है कि क्या चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह तो क्या होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर, क्योंकि हमारे पप्पू बाबू 1000 सिलेंडर गरीबों को बांटे हैं पिछले 2-3 साल पहले जो लॉकडाउन के वजह में, और आज भी वही चुनाव चिन्ह मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांटे थे और ये वाला सिलेंडर भी बांटे थे कोरोना काल में। ये सिलेंडर कोरोना काल के पहले लोग बांटे थे, बहुत ज्यादा बांटे थे, बहुत ज्यादा बाढ़ में। हाँ, बाढ़ में जब बाढ़ आया था, डूब गया था लोग, तो कोई स्वार्थ नहीं उस समय, कोई स्वार्थ नहीं था। कोरोना में भी हम लोग बांट रहे थे, हम लोग क्या जान रहे थे डायरेक्ट मेयर का चुनाव होगा, वो पूरे पटना से वोट लेना है, निस्वार्थ बांट रहे थे। देखिए, जब आपका मन साफ होगा ना तो सब चीज साफ होगा। प्राकृतिक भी जानते हैं, जो मजबूत होता है उसी को साथ देता है। इस चुनाव में हम मजबूत पड़ रहे हैं तो प्राकृतिक भी हमको साथ दे रहा है। देखिए, जो मेरे साथ उम्मीदवार लड़ रहे हैं, एक को मिला है कुदाल खेत कोड़िए, दूसरा को मिला है हल बैलगाड़ी उस पर हल चलाइए, लोग खेत में बुलाहट है। जब शहर को लोग खेत बना के रख दिया है तो उन लोग का वहीं बुलाहट हो रहा है। चलिए, आप बताइए क्या बोलिएगा। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, काफी अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है हमें, गैस सिलेंडर जो कि हर महिला का उपयोगी वस्तु है घर में, और महिला का क्या, स्टूडेंट्स का, लोगों का। आप भी जब बैचलर रहे तो आप भी खाते होंगे उसी पे? जी जी बिल्कुल, हम बैचलर रहे और गैस सिलेंडर यूज सब जगह है, और हमें काफी अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है, और हम लोग गति बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि चुनाव चिन्ह के बाद लोगों में जोश आ जाता है। हम लोग बिल्कुल जोश में है और अपने विरोधियों का होश भी ठंडा करेंगे,
तो विरोधियों का जोश ठंडा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चुनाव जीते रहे। रजनी देवी जिंदाबाद। चलिए देखिए रजनी देवी का क्या कहना था, पप्पू राय का क्या कहना था और कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो भी आप देख सकते हैं। चुनाव चिन्ह के बाद जोश जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और साफ कह दिए पप्पू राय कि अब जोश डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।